हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, आज मैं एक बेसिक से टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि कुछ दिन पहले गाइस मैंने भी फेस किया था, लेकिन कुछ दिन से जो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कुछ ट्रायल किए गाइस, उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, तो वही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा गाइस, जो कि हमारी जो सिकलेट फेसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रही है गाइस। जैसा कि आपने अक्सर कर देखा होगा कई सारे टैंक्स में गाइस, या फिर आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि सिकलेट फिशेज गाइस पूरे एक्वेरियम में घूमती रहती हैं, काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। जैसे कि आप मेरी फिशेज को भी देख सकते हैं, मैंने जबकि गाइस इन्हें अभी अभी फीड कराया, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं गाइस। इसका कुछ रीजंस हैं कि आपकी फिश बहुत ज़्यादा हाइड कर रही है, इतनी एक्टिवनेस नहीं है। पहले मेरी फिशेज भी गाइस ज़्यादा हाइड करती थी, केवल फीडिंग के टाइम पर वो एक्टिव होके आती थी, बाकी के टाइम पर वो हाइडिंग में रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पार्टनर था इसके पीछे ज़्यादातर टाइम रहती थी, लेकिन गाइस अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो मैंने जो गाइस नोटिस किया है वो है इनकी वाटर क्लैरिटी और इनकी फीडिंग के ऊपर। सो गाइस कुछ टाइम पहले तक गाइस मैं इनकी ग्रोथ की वजह से मैं इन्हें फीडिंग जो दे रहा था वो थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा था, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी आए। लेकिन गाइस मैंने जो नोटिस किया कि मेरी फिशेज एक्टिव नहीं रह रही थी ज़्यादा, वो एक्टिव तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितना कि सिकलेट्स ग्रुप को गाइस रहना चाहिए। पहले तो गाइस मुझे लगा साइज से थोड़ी छोटी साइज की है, इस वजह से थोड़ा डरती ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन गाइस फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया और मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि अभी छोटे साइज की है इस वजह से डर की वजह से गाइस। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो थोड़ी सी फीडिंग कम करी और इनकी वाटर क्लैरिटी मैंने मेंटेन करने की कोशिश करी। मैंने फ़िल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करके देखा गाइस, और वाटर की क्लैरिटी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन आपको लग रहा है, लेकिन अभी गाइस मेरे को इसकी सैंड स्टोन और जो एल्गी है थोड़ी बहुत जो आ चुकी है वो क्लीन करनी है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इनकी एक्टिवनेस का आप जो देख सकते हैं इन्हें एक्टिव लाने के लिए, वो है वाटर क्लैरिटी मेंटेन करने के बाद गाइस फीडिंग को मेंटेन करना। अगर आप इन्हें ज़्यादा फीडिंग कराएंगे तो ये केवल फीडिंग के टाइम पे एक्टिव हुआ करेंगी, और इनके काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओवर फीडिंग की वजह से। इस वजह से गाइस आप इनकी फीडिंग जो अब फीडिंग में हम देखेंगे कि हम इन्हें फीडिंग के टाइम पर ही देख, जैसे कि मैं अभी फीडिंग करा के चुका हूँ लेकिन फिर भी ये फीडिंग के लिए आ रही हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें फीडिंग नहीं कराऊंगा तो मुझे फीडिंग का कैसे पता चला कि कितनी फीडिंग करानी है। जैसे कि गाइस ये एवरेज साइज़ की 2 इंच की फिश है, तो गाइस मैं पर फिश को 2 to 3 पैलेट्स, मैक्सिमम गाइस 4 पैलेट्स कोई फिश खा लेती है, लेकिन इतने ही देता हूँ जिससे कि 3 पैलेट्स तक उसके वो खा पाए और बाकी की फिश। जैसे कि गाइस आप थंबनेल अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो वो दिखाता है कि जो कि आपकी फिश 2 मिनट्स के अंदर यानी कि 2 मिनट के अंदर में आपकी फिश फिनिश कर दे, आप इतना खाना दीजिए। लेकिन आप गाइस अगर सिकलेट्स को देखेंगे तो आप जैसे ही दाना डाल देंगे, जितना डाल देंगे गाइस, ये मुश्किल से गाइस 30 सेकंड में पूरे दाने को ख़त्म कर देती हैं, या फिर मैक्सिमम इन्हें 1 मिनट लगेगा आप इन्हें जो दाना देंगे उसे ख़त्म करने में। तो गाइस इस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग ले लेंगी, इस वजह से इन्हें आप साइज़ के हिसाब से और पैलेट साइज़ के हिसाब से दीजिए, जो कि गाइज नॉर्मल ऑप्टिमम पैलेट साइज़ आता है। मैं इन्हें इस टाइम ऑप्टिमम और टेट्राबिट्स दे रहा हूँ जिनका कि लगभग सिमिलर साइज होता है, वो गाइज मैं इन्हें मैक्सिमम 3 पैलेट्स पर फिश के हिसाब से दे रहा हूँ, 3 to 4 पैलेट्स 1 time a day। और गाइज मैं इन्हें 2 times a day फीडिंग कराता हूँ, 1 time में मैं 3 पैलेट्स to maximum 4 पैलेट्स देता हूँ। और वाटर क्लैरिटी गाइस अगर आप मेंटेन करेंगे, रेगुलर वाटर चेंजेस करेंगे, तो आपका अमोनिया हाई नहीं होगा और नाइट्रेट हाई नहीं होगा। अगर आप वीकली वाटर चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 डेज में तो वाटर चेंज करिए, एटलीस्ट गाइस 30 to 40% आप वाटर चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी फिश मेंटेन रहेगी, आपका जो एक्वेरियम है वो क्लीन तो रहेगा ही, साथ ही साथ गाइस आपकी फिश को कोई बीमारी लगने के बहुत कम चांस होंगे और वो एक्टिव भी रहेगी। और आप वेव मेकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं मैं बिना वेव मेकर के भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैंने वेव मेकर बनाने के ऊपर भी पहले वीडियो डाली है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा,
वो अभी मेरी पंप खराब हो चुकी है, जैसे मैंने हटा दिया है, मैं जल्दी वेवमेकर भी इसमें इंस्टॉल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।